करो। खटकर साहब को कि भाई अर्जेंट ये 4 से 5 दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए, अगर ये 4-5 दिन के अंदर काम नहीं होगा तो फिर हम हमारा बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और फिर आपको हम हमारे स्टाइल में काम करा के लेंगे। तो इसमें समय बड़ा योगदान हम भाव को देंगे कि भाव ने हमको बहुत फॉलो दिया और जैसे आपको मालूम है महानगर पालिका के अधिकारी सुनते हैं, बोलते हैं, हमारे बोलने पे काम भी करते हैं, लेकिन भाव के फोन से हमको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और इंशाल्लाह ऐसी काम हम हर वार्ड में पूरे वार्ड में करते रहेंगे। जाजा अभी प्रभाग में 3 वार्ड हो रहे हैं या 2 वार्ड हो रहे हैं तो वहाँ भी हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह जिसका भी कॉल आया हम 24 आवर्स अवेलेबल है जनता के लिए, आम जनता के लिए इंशाल्लाह कभी भी कॉल करते हैं। सर वार्ड का नाम बताइए, कौन सा एरिया है? वार्ड नंबर 49 है, ये औरंगाबाद हॉस्पिटल के सामने का एरिया। नाम बोलिए, एरिया का नाम क्या है? ये बुटी लाइन भड़कल गेट वार्ड का नाम है। यहाँ पर आज ये औरंगाबाद हॉस्पिटल के सामने जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम का उद्घाटन हुआ जी। और ये ड्रेनेज लाइन का काम करने में जिसका योगदान है वो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बब्बू भाई मुख्तार खान, इनके मेहनत से, इनके लगन से यहाँ पर आज ये बुढ़ी लाइन वार्ड में ये ड्रेनेज लाइन का काम आज शुभारम्भ हो रहा है, काम चालू हो रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि काफ़ी दिनों से मसला हल नहीं हो रहा था। मैं तो ये कहूँगा कि इसका इस मध्य मतदार संघ का आमदार हो चुका, खासदार मध्य का है, नगर चौक मध्य में दूसरे पार्टी MIM के है। ये लोगों ने सिर्फ जनता को आश्वासन दिया है, काम नहीं करते, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का हमेशा कहना है कि भाई 80% समाज का जनता का विकास होना चाहिए, समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए। उनके ताजत को मद्देनजर रखते हुए हमारे बब्बू भाई ने ये जो काम किया है मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और ये रुकता हूँ। जय राष्ट्रवाद। थैंक यू। काम करना चाहिए लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने आज जो काम कर दिया है और जनता बहुत खुश है और हम ये चाहेंगे कि भाई ये वार्ड में अगर आप कुछ मसला देते जवान आवाम को ये आह्वान करना चाहते हो और भी कुछ काम है तो यहाँ पे हमारा ये मध्यवर्ती का ऑफिस है, यहाँ पर आके बब्बू भाई से संपर्क करें। और आपने पूछा कि रोशन गेट कटकट, ये भी मुस्लिम बाहुल एरिया है, वहाँ पे रास्ते खराब है, पानी रास्ते पे आ रहा है। मेरे ख्याल से हम लोग 1-2-4 महीने पहले वहाँ पे गए थे उनसे मुझे नूर मस्जिद के पास, वहाँ पे हमने देखा कि सही सच है आपका बोलना कि पूरे रास्ते पे पानी, पूरे रोड पे पानी है, आवाम परेशान है, जनता परेशान है। और सही ये पूछ रहे कि काम कम होगा, हम लोग सरकार में है लेकिन देखो अभी वहाँ का नगर सेवक कौन है, खासदार कौन है, इन्होंने करना चाहिए ना, ये लोग नहीं कर रहे, हम लोग तो कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा आपके माध्यम से जनता को अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोगों तक आइए, हमको बताइए, इंशाल्लाह हम पूरे मेहनत से पूरे ताकत से वो हम काम करवा देंगे। सरकार हमारी है, बिल्कुल काम होगा, क्यों नहीं होगा, और होना ही चाहिए। और हमारी सरकार विकास के प्रति इस शहर के सिर्फ मध्य ने पूरे शहर के जितने बस्तियां हैं, जितना बड़ा शहर है, सारा शहर के विकास के प्रति बहुत गंभीर है। सगड़े सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार साहब, इनका यही कहना है कि अगर शहर का कुछ काम होता है, अगर विकासात्मक कामों के लिए मेरे पास आइए, जितना चाहिए उतना निधि दूंगा और काम करवा लूंगा। इसीलिए कोई काम की दिक्कत नहीं है, वहां पर भी हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारी वहां पर ध्यान देने वाला है और आने वाले वक्त में हम सब काम करने वाले हैं। देख रहे हैं।